हमारी फोटो केमिस्ट्री की सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो केमिकल प्रोसेसेस। तो देखिए, हमें इसमें बेसिकली टू लॉज के बारे में पढ़ना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो आपको इस पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। इसके बाद के जो हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड, ये सब आप लोग को नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, देयर आर बेसिकली टू लॉज, दो लॉज हैं। फर्स्ट इज़ ग्रोथस ड्रेपर लॉ एंड सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो देखिए, फर्स्ट लॉ जो हमारा ग्रोथस ड्रेपर लॉ, ये क्या बोलता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री का पहला लॉ है। थ्योरेटिकली गिवन बाय द ग्रोथस इन 1818, ये हमें थ्योरेटिकली ग्रोथस के द्वारा दिया गया था एंड एक्सपेरिमेंटली बाय ड्रेपर, और ड्रेपर के द्वारा इसको दिया गया था 1814 में। समझ में आ रहा है आपको? इसमें जो छोटी छोटी कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखे हैं नोट्स, इससे आपको हेल्पफुल भी रहेंगे। देखिए, व्हेन अ लाइट इज़ इंसिडेंट इन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी में जब कोई लाइट इंसिडेंट करती है, अ पार्ट ऑफ इट्स इज रिफ्लेक्टेड, उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ पार्ट इज ट्रांसमिटेड, कुछ पार्ट क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है। एंड रेस्ट, यानी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ ओनली द पोर्शन ऑफ लाइट, लाइट का सिर्फ वो पोर्शन जो कि एब्जॉर्ब्ड हुआ रहता है, कैन ब्रिंग द केमिकल चेंज, सिर्फ जो ऐसा पोर्शन जो एब्जॉर्ब हुआ रहता है वही कहलाता है केमिकल चेंज लाता है। एग्जाम्पल के लिए, केमिकल चेंज इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ सिस्टम, यानी केमिकल चेंज जो कि सिस्टम प्रोड्यूस होता है ओनली बाय दोज रेडिएशन विच इज़ एब्जॉर्ब, सिर्फ वही यहाँ पे को केमिकल चेंजेस करते हैं जो कि होते हैं एब्जॉर्ब्ड हुए होते हैं। होते तो कुछ रिफ्लेक्टेड हैं, कुछ ट्रांसमिटेड हैं, कुछ एब्जॉर्ब है, पर जो हमें चाहिए यानी जो केमिकल रिएक्शन करते हैं वो कौन करते हैं? सिर्फ जो एब्जॉर्ब्ड हुए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटेड इट, ये इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, डेट ऑल एब्जॉर्ब रेडिएशन मे नॉट नेसेसरी ब्रिंग ए केमिकल चेंज वैन द कंडीशन आर नॉट फेवरेबल, यानी कंडीशन अगर फेवरेबल में नहीं है तो द एब्जॉर्ब लाइट मे बी कन्वर्टेड इन टू हीट। तो क्या हो जाएगी? जो एब्जॉर्ब लाइट है वो किस में चेंज हो जाएगी? हीट में चेंज हो जाएगी। अब पहले तो उन्होंने बोला कि एब्जॉर्ब लाइट करेगी, उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि फेवरेबल कंडीशन भी होनी चाहिए हमारी, तभी वो क्या करेगी? केमिकल चेंज दिखाएगी, नहीं तो किस में चेंज हो जाएगी? हीट में। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द लाइट इज़ नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब, लाइट ही डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती है जबकि दूसरे सब्सटेंस से क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। द सब्सटेंस ट्रांसफर एनर्जी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और ये जो दूसरे हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। दोबारा देख लीजिए, फोटो सेंसिटाइजेशन किसे बोलते हैं? कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पे को क्या होती है, लाइट खुद से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है सब्सटेंस में, तो वहाँ पे को ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जो कि उस समय तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो उसकी एनर्जी होती है वो किसको दे देते हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी जिसको चाहिए रिएक्टेंट के लिए, लेकिन उसके साथ उनकी जो जो करना किसको चाहिए था? हमें रिएक्टेंट को करना चाहिए था, वो रिएक्टेंट ना करके कोई अदर सब्सटेंस कर लेता है और जो क्या देता है उसको एनर्जी फिर ट्रांसफर करता है। ऐसे इसको, ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको हम फोटो सेंसिटाइजेशन कहते हैं, और ऐसा जो करता है यानी जो दूसरे की एनर्जी लेके उसको प्रोवाइड कराता है बाद में, वो होता है फोटो सेंसिटाइजर। इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप उससे भी चेक आउट कर सकते हैं। और सारे नोट्स आप लोग को 100% जेन्युइन मिलेंगे, ये मैंने खुद अपने एग्ज़ाम में इसको मैं कर चुकी हूँ और मुझे अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन हुए इसकी हेल्प से। तो फिर देखिए, एग्जाम्पल क्या है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट एक्ट एज फोटोसेंसिटाइजर। अब सेकेंड लॉ आ जाता है यहाँ पे को, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या बोलता है? इट इज़ अ सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ये फोटोकेमिस्ट्री का कैसा लॉ है? सेकेंड लॉ है, फॉरवर्ड बाय द आइंस्टीन। ये आइंस्टीन के द्वारा बनाया गया है 1905 में, और स्टार्क में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं 1908। फिर देखिए, इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है वो एक फोटोन ऑफ लाइट क्या करता है? एब्जॉर्ब वन फोटोन ऑफ लाइट, जिससे क्या होती है? रिएक्शन होती है। जो रिएक्टेंट का हर एक मॉलिक्यूल एक एक फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण रिएक्शन फर्दर होती है। द टर्म ऑफ द वन फोटोन मीन्स, एक फोटोन मतलब एच म्यू एनर्जी, हमें पता है ना इज इक्वल्स टू एच म्यू होता है, जहाँ पे को एच क्या होता है? प्लैंक कॉन्स्टेंट, एंड म्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी या एब्जॉर्ब रेडिएशन। अब देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे ए बी है, वो क्या करेगा? मैंने कहा था एब्जॉर्ब करता है तो एच म्यू, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा? वो एक्टिवेटेड रिएक्टेड मॉलिक्यूल, ये हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में ही पढ़ चुके हैं। जैसे ही वो क्या कर देता है? फोटोन गेन करके वो एक्टिवेटेड हो जाता है। दस इन अ प्राइमरी रिएक्शन, प्राइमरी रिएक्शन में ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वन फोटोन। प्राइमरी रिएक्शन में क्या करते हैं? एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल,
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं डेट आर एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेट हुए हैं कि वो इक्वल टू होते हैं कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए, क्योंकि फोटोन एक्टिवेटेड वो तभी होंगे जब फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे और हर मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डेट आर एक्टिवेटेड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। ठीक हो गया। उसके बाद से देखिए, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। तो मैं कह सकती हूँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एन एच म्यू, यानी एक मोल के लिए मैं यहाँ पर एन कितना रख दूँगी, एक। तो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ये हमें पता है। और जो ई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन लैम्डा के। तो मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे एन एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू 6.02 × 10³³ है। एच प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.624 × 10⁻²। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 2.977 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। देखिए कितने बार एक नंबर इक्वेशन में हमें पास आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइंस्टीन। देखिए तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल, यानी जो एनर्जी क्वांटिटी, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो एब्जॉर्ब्ड की जाती है पर मोल ऑफ सब्सटेंस के द्वारा, इसको हम आइंस्टीन कहते हैं। ये पेपर में आता है आइंस्टीन द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्या होती है क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस और अ मोल ऑफ अ फोटोन ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एब्जॉर्ब की जाती है वन मोल ऑफ सब्सटेंस द्वारा, उसे वन आइंस्टीन कहते हैं। तो वैल्यू जो हमें सब ऊपर दिखाई गई थी मैंने आपको एन एच सी लैम्डा, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट डाउन कर देंगे। तो हमारा देखिए, सो हमारी जो वैल्यू आती होती है ई इज इक्वल्स टू 2.859 × 10⁵ पॉन लैम्डा। अब देखिए ये मैं सॉल्व करके आई है, अब यूनिट ऑफ वन आइंस्टीन, ये भी क्वेश्चन आता है, यूनिट है क्या इसकी, सीजीएस में इसकी यूनिट। हम क्या कर लेंगे, सारी वैल्यू को पुट डाउन करेंगे तो सीजीएस में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टार्क आइंस्टीन, स्टार्क आइंस्टीन के द्वारा वन क्वांटम ऑफ फोटोन ऑफ एब्जॉर्ब पर मॉलिक्यूल रिएक्टिंग स्पीसीज की, तो वही लिखा है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। यहाँ पर रेशियो जो होना चाहिए वन बाय वन होना चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कॉन्फ्लिक्ट, ये यहाँ पे से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, लो क्वांटम यील्ड एंड हाई क्वांटम यील्ड। तो इसके आगे को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सो आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।